दिखाओ जरा कागज के अंदर, खासकर के टोन के अंदर हम देखते थे अक्सर ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा देखने को मिलता था, जिससे लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान देखने को मिलते थे। कई बार हमने आपको दिखाया होगा एम्बुलेंसेस फंसी होती थी या फायर सर्विस का अमला जो है फंसता हुआ नजर आता था। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था। सोशल एक्टिविस्ट सामने आए थे, मीडिया के लोग सामने आए थे, जिसने पूरी ये कोशिश की थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रैफिक जाम खत्म हो। मगर हम देख रहे हैं उसी के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कमर कसी है, और खास करके हम की बात करें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें, उनने भी कमर कस ली है। और अभी आप देख सकते हैं कि डोडा का जो भरत रोड है वहाँ पे किस तरह से जो है चलानी की जा रही है, अलग अलग लोकेशन पे जो है ट्रैफिक महकमा जो है अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें खुद डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे। इनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से मुहिम को चला रहे हैं। सर, आपका वेलकम है, थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं। यही हम रूटीन में ही करते हैं, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हम नाका लगाते हैं। मोरओवर जैसे आज टाउन में हैं हम, तो टाउन में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा बिना हेलमेट्स के जो बाइक चला रहे हैं, कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा है, यूथ जो हैं खासकर टीनेजर्स जो बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हैं, उसके अलावा बाकी पैसेंजर व्हीकल्स की भी ओवरलोडिंग देखते हैं हम, तो यही कर रहे हैं हम। यहाँ सुबह से लगभग कितने चलान आपने अभी तक किए होंगे? सुबह से हमने लगभग मतलब इंडिविजुअल मैंने अगर बोलिए तो कम 25 के आसपास किए होंगे। और मोर ओवर हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, DTI हैं, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, तो हर जगह पर। सर, हमने देखा कि काफ़ी टाइम से जब से आपने यहाँ पे संभाला हुआ है, तो काफ़ी हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे आप जो है इस तरह के नाके लगा रहे हैं, मगर लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी साइड पार्किंग, रोड साइड पार्किंग यहाँ पे नज़र नहीं आती है। चलान ज़रूर किया जाता है, आपका महकमा ज़रूर काम करता है, मगर रोड साइड पार्किंग ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्या इस तरह की कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम करते भी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी किया है, तो वो पाइपलाइन में भी है। यहाँ एक मल्टी लेयर पार्किंग भी प्रपोज है, जिसका काम शायद जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिस तरह से अक्सर हम इस रास्ते पे देखते थे ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, तो क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से आप ई चलानिंग भी कर रहे हैं, खास करके हम स्टिकर चलान देख रहे हैं कि जो भी रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी होती है उसका स्टिकर चलान देखने को मिलता है, क्या लगता है उससे फ़र्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला? जी जी, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि मतलब वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं ट्रैफिक वायलेशन को, उनको पता है कि अगर हम कहीं गाड़ी लॉक करके भी चले जाएंगे तो पीछे से स्टिकर लग जाएगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। मतलब उनको पता है, ये नहीं है कि मतलब वो छूट जाएंगे या मतलब ये है। जो हमारी बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है 244, हमने देखा कि कई सारी जगहों पे आपने जो है चलाने करते हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को अवेयर कर रहे थे, उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि क्रैश बैरिकेड्स, क्या हम ये माने कि जब एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल भी उठाते हैं कि क्रैश बैरिकेड्स नहीं है, पैरापिट्स नहीं है, आपने क्या डायग्नोज किया अभी तक कि किस हवाले से एक्सीडेंट होता है? बहुत सारे जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी एक्सीडेंट होती है। जी जी जी, देखिए इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। मोरओवर जो आपने क्रैश बैरियर्स की बात कही है, तो अब तो काफ़ी काम चल रहा है उस पर, कुछ पैचेस बचे भी हुए हैं, जो मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम कर भी रही है, सर्वे हो रहा है, वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ और लगाए जा सकते हैं, तो उस पर काम चल रहा है। लोगों को आपकी तरफ से क्या अपील होगी? हमारा यही है कि गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, बाइक्स हेलमेट के बिना मत चलाइए, ट्रिपल राइडिंग मत करिए, और सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। खासकर जो टीनेजर बच्चे जो बाइक चलाते हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको अलाउ ना करें, उनको अपने घर में ही रोक दें,
क्योंकि उनकी उनकी तो नज़र में ही होता है सारा कुछ, है ना। सर लास्ट मेरा सवाल रहेगा, डोडा का जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ पे ऑटोज लगाए जाते हैं, कल भी उन्होंने एक सवाल वहाँ पे उठाया था कि जो ऑटोज लगाए जाते हैं जो भी शॉप्स के पर हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जी, क्या उसके लिए कोई अल्टरनेट जगह ढूंढी जाएगी? उन्होंने अल्टरनेट जगह एक दी भी है, जो हमारा ओल्ड हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने गाड़ियाँ कई सारी लगती हैं जो एक एक महीना वहाँ पर खड़ी रहती हैं, क्या उनको वो जगह दी जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन से आप बातचीत करेंगे? ये आपने हमारे नोटिस में लाया है तो हम विल टेक अप द मैटर विद एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर ही रही है, मैंने बोला यहाँ जब जो मल्टी लेयर पार्किंग है एक बार ये हो जाएगा तो काफ़ी सारा मसला हल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। DSP ट्रैफिक हमसे बातचीत कर रहे थे, जिसी तरह जो है चलान कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा अक्सर ये जो रास्ता है इस रास्ते पे दोनों तरफ से ट्रैफिक जैम लगता था, और ये भी लोगों की तरफ से बताया जाता था कि यहाँ पे रोड साइड पार्किंग कहीं पे भी नहीं है, और इन्हें बताया कि आपने हमारी नोटिस में लाया ताकि जो भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।